तो आज हम रिव्यू करेंगे ज़ू क्रॉकर थंडर प्रो 30 एज ए माइक सिस्टम। सो इसके अंदर से बॉक्स के अलावा एक माइक्रोफोन जो वायरलेस है, ऑक्स केबल, यूएसबी केबल और स्पीकर निकलता है। इसके साथ एक लीफलेट भी आती है जो कि उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हालांकि वो बिल्कुल भी डिटेल्ड नहीं है, तो उसको पढ़ने से पहले ही आप सब चीज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट में सामने एलईडी फ्लैशिंग लाइट्स हैं, TWS है, मतलब इसमें दो स्पीकर्स पेयर हो सकते हैं, इक्वलाइजर और इको कंट्रोल्स है। तो अगर आप थ्योरी क्लास लेते हैं तो इको कम कर सकते हैं। 30 वॉट आउटपुट है, कराओके रेडी है, FM भी है और USB से भी प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिस्टम 3,000 की रेंज में बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो इसे क्लास या माइक के रूप में यूज़ करने के लिए लिया हूँ। इसके साथ ये छोटा सा ब्लू वारंटी कार्ड भी आता है जिसमें सीरियल नंबर वंबर रहता है। अगर आप इसमें ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो आपकी 1 मंथ की वारंटी आपकी बढ़ जाती है। ये एक यूएसबी केबल है जो उसके चार्जिंग के लिए, और ये ऑक्स केबल है, आप चाहें तो माइक से लगा सकते हैं, चाहे दूसरे किसी माइक से या फ़ोन से। ये माइक है और ये उसका सिस्टम है, स्पीकर है। स्पीकर में एक माइक के लिए पोर्ट है जो किसी और वायर्ड माइक के साथ यूज़ हो सकता है, चार्जिंग पोर्ट है, फिर USB का स्लॉट है, फिर TWS बटन है, मेन्यू बटन है, मिलरली इको माइनस प्लस करने का बटन है। उसे अगर आप थ्योरी क्लास ले रहे हैं तो इको माइनस करने से फ़ायदा है, अगर आप कराओके के लिए तो प्लस कर सकते हैं। ये माइक ऑन ऑफ करने के लिए और फिर माइक की वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए है। ये वॉल्यूम बटन है, यही ऑन ऑफ स्विच भी है। एक्सट्रीम लेफ्ट में पावर ऑफ है और एक्सट्रीम राइट, जैसे अभी राइट करने से ऑन हो गया, और जब ये ऑन होता है तो इसमें लाइट्स फ्लैश होती हैं, लाइट्स हर समय फ्लैश होती रहती हैं। फिर इसमें ब्लू लिखा है तो ये ब्लूटूथ मोड में ऑन होता है और ऑटोमेटिकली ही माइक से पेयर हो जाता है। एम से आप इसको चेंज करके FM मोड में भी लेकर जा सकते हैं। फिर ये USB स्लॉट है, माइक है, तो ये साथ में ऑक्स केबल के लिए, अगर आप अपने फ़ोन से प्ले करके म्यूज़िक करना चाहते हैं, जब भी आप ऑक्स कनेक्ट करेंगे या USB कनेक्ट करेंगे तो वो प्रायोरिटी लेगा माइक से पहले। ये माइक है, माइक में फर्स्ट स्विच है, ये माइक ऑन होगा कनेक्टिविटी के लिए पर स्पीकर ऑन नहीं होगा। जब आप सेकंड बार इसको ऑन करेंगे तब इसमें माइक भी ऑन हो जाएगा और आवाज़ आएगी। इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और लाउड है, मतलब अगर आप पूरी क्लास को पूरा आराम से ले सकते हैं या लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है। इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये आधे घंटे में अपने आप स्विच हो जाता है। तो आप यूज़ करिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।